अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। आज इस टॉपिक में मेरा वीडियो बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि ये एक और टॉपिक था उस पर मैंने वीडियो बनानी थी, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो फिर मेरा दिल किया कि इंशाल्लाह उसमें बात बात करेंगे। पहले मैं इस पर बात करती हूँ। जब एक लड़की एक औरत की शादी होती है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है ना कि वो माँ बने, तो माँ के पाँव तले जन्नत आ जाती है। जब माँ बनती है ना औरत हो या लड़की हो, तो उसकी अपनी जो तेरी जात होती है ना वो पीछे चली जाती है। सबसे पहले उसके लिए उसका बच्चा होता है। वो कहती है कि अब मेरा कोई इतने ज़्यादा नहीं है, कोई ख्वाहिशें नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने बच्चे को अच्छे सा पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसकी परवरिश करूँ, अपने बच्चे को किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने दूँ। तो बड़े बूढ़े पीछे कहते हैं ना कि जब औरत की शादी होती है तो औरत के पांव उस घर में तब लगते हैं ना जब उसकी औलाद हो जाती है। तो जब औलाद हो जाती है तो फिर औरत को और क्या चाहिए होता है। लेकिन औरत की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये होती है ना कि उसी के पेट से पैदा हुए बच्चे, उसी के दूध से परवान चढ़े बच्चे, वो उसका हक जो जन्नत माँ के पाँव तले होती है ना, वो हक किसी और औरत को देते हैं। वो वाला जो जन्नत का हक है ना वो अपनी दूसरी दे दे माँ को, जो सौतेली माँ होती है। तो इसके लिए ना उस अपनी सगी माँ के लिए ये मरने का मकाम होता है। उस औरत को जीने का कोई हक नहीं मेरा ख्याल है। जब उसके अपने बच्चे किसी दूसरी को वो मकाम दें जो एक माँ का होता है, तो मैं कहती हूँ कि फिर उस औरत के लिए और क्या बाकी पीछे रह गया, जीने के लिए क्या पीछे रह गया। तो बात आज करेंगे समावया और साबरा पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन को ऑल कैप्शन पे प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो कल समावया लोग गए हुए थे अपनी नई अम्मी से मिलने। एक तो मुझे ये बात बुरी लगी है, जो मुझे बात बुरी लगती है ना मैं वो बोल देती हूँ, फिर चाहे कोई मेरे ख़िलाफ़ जितने भी कमेंट आए जो भी हो ना, मुझे कोई परवाह नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने दिल की बात करती हूँ और दिल से भी ज़्यादा मैं हक और सच की बात करती हूँ। देखें, एक गरीब लड़की जब आप लोगों ने ले लिया, उसके साथ निकाह कर लिया भाई का, अब वो गरीब लोग हैं, आप हो सके तो उनकी मदद करो। आपके पास तो इतना सारा कुछ है ना, घर भी आपका बन रहा है, आपकी शॉपिंग भी हो रही है, आप लोग आउटिंग पे भी जा रहे हो, अच्छा खासा खा पी भी रहे हो, फिर उनके घर जाते हो तो आप ऐसे ही मुँह उठा के चले जाते हो। एक बार सोनिया ने उसको ड्राई फ्रूट दिया, अब जितने फेरे भी लगेंगे ना वो उसी ड्राई फ्रूट में लगेंगे कि हमने इसको इतना एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट दिया है। अब उनका हक बनता है ना, उन जितनी भी कीमत हमने दी है ना उस ड्राई फ्रूट की, उतना ही ये हमें खिलाएं। कल बच्चियाँ पहली बार गई थी, उनका हक बनता था, क्योंकि समावया का भी चैनल है। चैनल ना भी हो तो समावया ने सोनिया के चैनल पे कितना काम किया है। जितने दिन भी सोनिया इद्दत में बैठी है, इद्दत नाम की उसने की है जब वो बैठी है, लेकिन उसके चैनल पर समावया ने बहुत ही ज़्यादा काम किया, एमन ने भी किया। क्या उन बच्चों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि वो उस माँ से मिलने के लिए गए, उसके लिए कोई गिफ्ट तो ले जाते पहली बार गए, लेकिन नहीं, इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया बच्चों को। कि वो भी औरत खुश हो जाती कि देखें ये बच्चियाँ मुझसे कितना ज़्यादा करती हैं, एक माँ की तरह करती हैं। फिर तो वो बेचारे लोग अच्छे हैं ना, उन्होंने इतनी गुर्बत में भी आप लोगों को अच्छा खाना वगैरह खिलाया, जितनी बार भी गए हो आप लोगों की अच्छी इन्होंने खातर मदारत की। अब आप लोगों को शर्म होनी चाहिए कि उन लोगों पे कम कम ही बर्डन डाले, लेकिन आप लोग जब भी जाते हो एक बोझ की तरह उनके सर पर सवार हो जाते हो। हर रोज़ मुंह उठा के जाना कोई अच्छी बात नहीं है। अगर खुशकिस्मती से एक अच्छा रिश्ता आपको मिल गया ना, उसकी कदर करो। तो अब बात करते हैं साबरा मैडम की। तो साबरा मैडम, रोज़ रोज़ के ये थंबनेल लगाना बंद करो। हम लोग अगर बात करते हैं ना तुम्हारे सांड को, उस झोटे को, उस कोबरा सांप को, बहुत ही ज़्यादा होती है इस बात की कि हमारे पे बात क्यों की जाती है। बेचारा वही टाइटल लगाने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि इस टाइटल से उसको पैसे मिलेंगे। साबरा की इज्जत जाती है तो जाए, अगर साबरा की इज्जत उसको इतनी हसीज होती ना तो इस तरह चोरी छुपे उसको भगा कर नहीं लेकर आता। दुबई एक अपने ख्याली पुलाव न बनाता, ख्वाबों में दुबई न बनाता। अब साबरा, तुम्हारी बेटी जो तुम्हारे मुँह में किस्म का जूता मारती है, माँ को तो नहीं कहना चाहिए कि औलाद मारती है,
लेकिन इस जैसी माँ के लिए अगर हम कहें तो बुरी बात नहीं समझी जाएगी, क्योंकि अगर वो माँ होती तो अपने बच्चों को छोड़ के ना आती। ये माँ है नहीं ना, क्योंकि इस वजह से बच्चे उसे मिलते नहीं हैं। अब तुम्हारी बेटी जब अदालत जाती है, कितनी बार तुम्हारे उस मामू छोटे ने कहा सांड ने कि और कोई नहीं बच्चा गड़बड़ करता, सिर्फ समाव्या मिलने के लिए गड़बड़ करती है, तो समाव्या तुमसे मिलती नहीं है। और आज वो कह रही थी कि हम नई अम्मी से मिलने जा रहे हैं, बार बार वो यही बात कह रही थी, नई अम्मी से मिलने जा रहे हैं। तो तुम किस वजह से ऐसी बातें करती हो, किस वजह से आके वीडियो के सामने तुम ये बातें करती हो, मेरे बच्चे हैं, किसी के बच्चे नहीं हैं, मेरे बाप के बच्चे नहीं हैं, हम लोगों ने तो नहीं कहा तुम्हारे बाप के बच्चे, तुमने तो एक नया टॉपिक दुनिया को दे दिया, बाप के बच्चे। तो अगर तुम्हारे बच्चे हैं साबरा मैड की तो वो तुमसे क्यों नहीं मिलते, वो तुम्हारे जो हिस्सा ना प्यार है वो उस नई माँ को दे रहे हैं। अल्लाह करे कि वो नई आने वाली लड़की जो है ना उनके लिए एक हकीकी मानों में माँ हो। मैं तो रात दिन कसम से ये दुआ करती हूँ, जो प्यार तुम ना दे सकी उनको वो वाली औरत दे, जो हक तुमने उनसे छीना ना वो औरत उनको हक दे, क्योंकि औलाद का बहुत ज़्यादा हक होता है माँ बाप पे, और माँ बाप की होता है अपनी औलाद पे। लेकिन माँ बाप का हक तब होगा ना जब माँ बाप भी उनको औलाद को अपना हक देंगे, प्यार देंगे। लेकिन नहीं, तुमने तो उनका हक, उनकी परवरिश वाला जो सिस्टम था, उनको जो देना दलाना था वो उठा के इस सांड के मुँह में दे दिया। उसका इतना ज़्यादा हाथी जैसा पेट है ना कि वो भरता ही नहीं है। और अब वो बच्चे उस बेचारी औरत में अपनी ममता तलाश कर रहे, अपनी माँ तलाश कर रहे। देखा अगर जाए ना तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि एक माँ जिंदा मौजूद होते हुए वो बच्चे अपनी दूसरी माँ को कह रहे हैं। लेकिन अगर ये माँ होती तो बच्चों के साथ इस तरह ना करती, अगर मेहनत मजदूरी से तुम्हारे बच्चे पले होते ना तो आज बच्चों को छोड़ के ना तुम जाती। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि तुम रह रही हो ना, कोई बंदा रह ही नहीं सकता अपने बच्चों के बगैर। पल पल अगर एक मिनट के लिए भी बच्चा माँ से जुदा होता है ना तो बार बार ये होती है ना कि कब जाएं अपने बच्चे से मिलें, कब जाएं अपने बच्चे को गले से लगाएं। तुमने तो छोटा सा वो मुजम्मल छोड़ा है ना, तो कैसे तुम्हें दिल आता है, कैसे तुम्हें नींद आती थी, कैसे तुम्हें सांड के साथ में नींद आती थी। अरे नींद तो नींद, मैं तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हूँ, इसके तो तकिए के नीचे रात को नाइट क्रीम भी रखी हुई थी, वहाँ पे जाके ये नाइट क्रीम लगाती थी कि अगर मेरा चेहरा ख़राब हो गया तो हो सकता है कि मामू फिर मुझे एक एक मार के यहाँ से भी बेदखल लगा दे। तो जिस औरत को अपने बच्चों का नहीं था, वो औरत बात जब करती है ना तो बहुत ही ज़्यादा उस पर हम लोगों को गुस्सा आता है। दिल कह जाता है ना कि एक दिन में 8-8, 10-10 वीडियो इस औरत पर बनाई। ये औरत नागन औरत है, इसने अपने बच्चों के साथ साथ कितने ही दिले खून पिया रिश्तों का, और किस तरह से दिन दहाड़े ये औरत फिर बैठकर वीडियो बनाना शुरू हो गई थी। जैसे ये उठ के ना आई है, मरी सैर के लिए आई है और वापस चली जाएगी तो बच्चों के भी ये अपने गले से लगा लेगी। लेकिन इन जैसे लोगों को शर्म बिल्कुल नहीं आती है, ये लोग बेहजा हो चुके हैं, बेहजाई इनके खून में रच बस गई है। इन लोगों को कोई भी बुरी चीज़ बुरी नहीं लग रही है, हम लोगों को लगती है, हम लोग बात करते हैं लेकिन इनको बुरी चीज़ बुरी नहीं लगती है, बुरी चीज़ इनको अच्छी लगती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इनके दिलों में मुकम्मल तौर पे मोर लगा दी है। ये अल्लाह पाक का फरमान है, जो मेरे नाफरमानदार बंदे होते हैं मैं इनके दिल में पक्की मोर लगा देता हूँ, क़यामत तक फिर वो नेक काम नहीं कर सकते। इसी तरह से ये दल्ला रहने वाले लोग हो गए, क्योंकि इन लोगों में बिल्कुल भी ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अपनी औरतों का धंधा करते हैं, अपनी औरतों को लोगों के सामने नंगा करते हैं, अपनी औरतों को दिखाते हैं, अपनी औरतों की कमाई खाते हैं, घर की चार दीवारी में औरतों को निचाते हैं और निचा के उनकी कमाई खाते हैं। ये वाले बेगैरत मर्द, इन लोगों को शर्म हो या बिल्कुल छू के नहीं गुजरी है। अगर इन पे बात की जाए ना तो फिर धमकियाँ दी जाती हैं, फिर FIA में केस करने की धमकियाँ दी जाती हैं। वहाँ पे जब जाते हैं तो मुंह की खा के आते हैं, इस वजह से कि जो फाइल लोगों के पास होती है ना अगर वो वहाँ पे दिखा देना तो ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो यही बातें शेयर करी थी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।